कि हार के ठीकरे अपने माँ बाप पे फोड़ना बंद करो। शर्म किस बात की, क्योंकि खुजली तुमको है तो खुजालना भी तो तुमको ही पड़ेगा। कुछ बड़ा अचीव करना है तो उसकी शुरुआत एक छोटे से स्टेप से होती है। आज की स्टोरी सुनकर आपको सचमुच यकीन हो जाएगा कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो जरूरी नहीं कि आप कोई बड़ा स्टेप लें। आइए सुनते हैं आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम इस तरह का वीडियो लाते रहते हैं। आप एक छोटे से स्टेप से शुरुआत करके भी कुछ बड़ा कर सकते हैं, जो कि मैं पहले कहा। तो आज की ये कहानी प्रफुल्ल बिलोर की है, जिन्होंने MBA चाय वाला के नाम से जाने जाते हैं। अगर बात होती है कि किसी ने चाय बेच बेच कर अपनी ज़िंदगी बदल ली तो सिर्फ मोदी जी की बात होती है, लेकिन हमारे देश में एक ऐसा चाय वाला भी है जिसे चाय बेच कर अपनी पूरी ज़िंदगी बदल डाली, और यह सिर्फ 24 साल की उम्र में चाय की बेचकर करोड़पति बन गया। इनका पूरा नाम प्रफुल्ल बिलोर है। इनका ड्रीम था कि वे MBA करेंगे। इसके लिए उन्होंने लगातार 3 साल तक ट्राई किया, मगर बार बार वो फेल रहे। ऐसा नहीं था कि वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, ये पढ़ाई में अच्छे थे और लगातार हर दिन 6 से 7 घंटे पढ़ाई भी करते थे। फिर भी वो इतनी पढ़ाई करने के बाद भी लगातार 3 बार एग्ज़ाम में फेल हो गए, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा उदास हुए और कुछ दिनों के लिए उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। वह कमरे में बैठकर सोचा करते कि अब मैं क्या करूँगा। इसके बाद वो अलग अलग शहरों में कुछ नया खोजना स्टार्ट किया, जैसे चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ। इन सारे शहरों में उन्होंने सफ़र किया और फिर सोचा कि कब तक ऐसा चलता रहेगा, कब तक मैं भटकता रहूँगा। अगर जिंदा रहना है तो लाइफ में कुछ तो करना पड़ेगा। फिर उन्होंने अहमदाबाद के मैकडोनल्ड में डिलीवरी बॉय के काम स्टार्ट किया, जहां उन्हें करीब 1 घंटे के 37 रुपये मिलता करते थे। कुछ दिनों बाद वो प्रमोशन मिला और वेटर बन गए। उनका कहना था कि उनके किताबें पढ़ने के कंपेरिजन में ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हर दिन उन्हें नए नए लोगों से, नए नए विचारों से नए अनुभव मिल रहा था। जब वो मैकडोनल्ड में जॉब कर रहे थे तो उनके दिमाग में एक बात आई कि बाहर की कंपनियाँ अगर हमारे देश में बर्गर बेचकर इतना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं तो क्यों ना मैं अपनी खुद की कोई प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट चुनूं जो पूरी इंडिया में कनेक्ट करता हूं और इसी के बिजनेस स्टार्ट करूं। बहुत ज़्यादा सोचने और समझने के बाद उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आई, वो थी चाय, और वो पर्सनली चाय बहुत पसंद भी करते थे। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएँ हैं और बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग उसकी संस्कृतियाँ हैं, लेकिन एक चीज़ कॉमन है, वो है चाय। भले ही वो नॉर्थ का हो या फिर साउथ का हो, उनको चाय बहुत पसंद है। उनके दिमाग में ये बात आइडिया क्लिक कर गया और उन्होंने फैसला किया कि अब वो चाय के ही बिजनेस करेंगे। उसके बाद वो अपना खुद का एक कैफ़े स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन कैफ़े स्टार्ट करने के लिए उनको लगभग 15 लाख रुपया की ज़रूरत थी। वो एक मिडिल क्लास फैमिली में थे, उनके लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी और यूँ कहे तो इम्पॉसिबल भी थी। फिर उन्होंने सोचा कि जितना है और जैसा है उसी से स्टार्ट करते हैं, और खुद से बोला, ड्रीम बिग बट स्टार्ट स्मॉल, और चाय के स्टॉल लगाने का फैसला किया, जिनके लिए उन्होंने बर्तन, स्टॉल और दूसरी ज़रूरत सामान चाहिए थी, और सामान खरीदने के लिए उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तो उन्होंने अपने पापा से झूठ बोला कि उन्हें कोई कोर्स करना है, जिनके लिए उन्होंने अपना पापा से 1,500 रुपये मांगे और उन्होंने पैसों से उन्होंने ज़रूरत के सामान खरीदा और अपने स्टॉल को शुरू किया। जब उन्होंने अपने चाय के स्टॉल लगाया तो उनके दोस्तों ने उनका बहुत बड़ा मजाक उड़ाया, उन्होंने चिढ़ाया और वो बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट कर दिया, पर उन्हें इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ा और अपने काम को उन्होंने लगातार किया। जब उनका पहला दिन था तो पहले दिन उनके पास कोई भी ग्राहक नहीं आया और उन्होंने एक भी चाय नहीं बेच पाया। फिर उन्हें लगा कि प्रमोशन करना चाहिए, तभी तो
लोगों को पता चलेगा और उसके पास चाय पीने के लिए आएंगे। तो उन्होंने अपने स्टॉल को प्रमोशन भी किया, लोगों को बताया कि मैंने चाय का स्टॉल खोली है और आप आइए मेरे पास चाय पीजिए। फिर दूसरे दिन उन्होंने 5 कप चाय बेची जिनसे उन्हें करीब 150 रुपया मिले। वह सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक मैकडोनल्ड में काम किया करते थे और आपस आने पर के बाद 7 से 11 बजे रात तक वो चाय बेचते थे। उनके चाय बेचने का तरीका कुछ अलग था, थोड़ा सा अलग था। वो अपने कस्टमर को अंग्रेजी की बात करते थे, अंग्रेजी में बात करते थे और इसी कारण वो उन लोगों के नज़रों में आ जाते थे। हर कोई इन्हें नोटिस भी करता था, लोग सोचते थे कि यार ये कौन लड़का है जो चाय बेचता है और अंग्रेजी बोलता है। फिर अगले दिन दुकान खोलने से पहले कुछ लोग उनके इंतज़ार कर रहे थे, लोग इतना मिलना चाहते थे, उनकी कहानी जानना चाहते थे। उसी दिन करीब उन्होंने 600 रुपया कमाए, अगले दिन 1200, फिर 4000 और फिर 5000, ऐसे करके उनको ग्रोथ बढ़ती गई। फिर जब उन्होंने अपनी चाय के स्टॉल ऐसी पैसे कमा रहे थे, इस तरह पैसे कमा रहे थे, जब उन्होंने मैकडोनल्ड की जॉब को छोड़ दिया और पूरे दिन चाय बेचने लगे। फिर दिन फिर गया। कुछ दिन बाद उनके पापा का फोन आया, उनके पापा उन्हें दिए हुए पैसे के बारे में पूछ रहे थे। तब फिर उन्होंने अपने पापा से झूठ बोला। झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, अपने घर वालों से झूठ बोलना, फिर भी उन्होंने अपने पापा से झूठ बोला और फिर किसी लोकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। जब वो कॉलेज में गए तो देखा कि सब स्टूडेंट अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, लोग फालतू की चीज़ों में किया करते थे, उन्हें अपने फ्यूचर का कोई भी ध्यान नहीं था। उनका कारण, उन्हें लगा कि अगर मैं भी यहाँ रहूँगा या फिर रहा तो मेरा समय भी वेस्ट होगा, इससे अच्छा है मैं अपने बिजनेस पर फोकस करता हूँ और उसे बड़ा करता हूँ। पूरा फोकस चाय के स्टॉल में लगा दिया, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। अगर आज आपका अच्छा टाइम चल रहा है तो कल आपका बुरा टाइम भी आएगा। ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। उनका बिजनेस जब ग्रो कर रहा था तो उसके आसपास के दुकान वालों ने उनसे जलने लगे और इसी कारण से उनका दुकान बंद करना पड़ा, जिसके कारण वो पूरी तरह टूट गए और फिर से अपने डिसीजन पर सोचने लगे कि क्या हमें क्या करना है, कहीं मैं गलत फैसला तो नहीं किया। वो अपनी पुरानी यादों को याद करते हुए, जब वो लोगों से ये चाय बनाया करते थे लेकिन जब अच्छे कस्टमर थे वो इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर मैसेज किया करते थे कि आपने दुकान क्यों बंद कर दी, और बोला करते थे कि आपका दुकान से स्टार्ट कीजिए। फिर उन्हें लगा कि अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो क्यों ना फिर से स्टार्ट किया जाए। उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में एक जगह ढूंढना स्टार्ट किया और उन्होंने जगह ढूंढ भी लिया जहां से उन्हें कोई भी ना भगा सके और ना ही कुछ कर सके। उन्होंने एक हॉस्पिटल के सामने एक जगह किराए पे ले लिया, जिसके लिए उन्हें 10,000 रुपये की हर महीना देना पड़ता था। जब उन्होंने अपना नया स्टॉल लगाया तब उन्होंने दुकान का नाम रखा MBA चाय वाला। इसका पूरा नाम था मिस्टर बिलोर अहमदाबाद चाय वाला। उन्होंने अपने नाम के कारण बहुत ट्रोल झेलना पड़ा, लोगों को उनका खूब मजाक भी बनाया, लेकिन उन्होंने इस बात की परवाह नहीं किया और वो अपना काम करते रहे। धीरे धीरे उनकी ग्रोथ होती रही। ये स्टॉल भी कुछ प्रोग्राम किया करते थे, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप, प्राकृतिक आपदाएं या फिर कुछ सामाजिक मुद्दे जिन पर चर्चाएं होती थी। लोग अपना अपना ओपिनियन रखते थे, ये चीज लोगों को बहुत पसंद आ गई, जिनका कारण नेटवर्किंग धीरे धीरे बढ़ता गया और पॉपुलैरिटी भी बढ़ती गई। धीरे धीरे उनका बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि आज उनका टर्नओवर करोड़ों में होता है और पूरे वर्ल्ड में लगभग देशों में उनकी पास ऑर्डर आता है। लगभग अलग अलग देशों में जाकर ये लोगों के लिए चाय बनाते हैं। वो एक दिन इतना चार्ज करते हैं जितना एक IAS ऑफिसर का एक महीने का तनख्वाह होती है। उन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत सिर्फ 20 साल में किया था और आज 4 साल उन्होंने जबरदस्त सक्सेस कर ली। ये अपने आप में एक मिसाल है। ये अपने कुछ दिए गए इंटरव्यू में बताते हैं कि उनकी ये जर्नी बहुत इतनी आसान भी नहीं थी। जब वो अपनी पुरानी वाले स्टॉल चला रहे थे तब उनके 4-5 बार जेल भी जाना पड़ा था। लोग उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल भी कर रहे थे कि तू इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा है, लोग
क्या कहेंगे, ये सब सारी बातें उनके दिमाग में चल रहा था। और उनके घर वालों को भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता था कि तुम्हारा लड़का तो चाय बेचता है, क्या करेगा वो ज़िंदगी में। लोग उसके माँ बाप को बहुत ज़्यादा ताने दिया करते थे। लेकिन आज जब उन्हें सक्सेस मिल गई तो सिचुएशन बिल्कुल पलट गई। लोग उनके माँ बाप को बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं और प्रफुल्ल बिलोर को भी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं कि तुम सचमुच कुछ अचीव कर दिया, करके दिखाया। आज प्रफुल्ल बिलोर बड़े बड़े कॉलेज में अपना टॉक देते हैं और लोगों को बताते हैं कि आप भी कुछ कर सकते हैं। प्रफुल्ल बिलोर वो एक एंजल इन्वेस्टर में है जो लोगों को पैसा देते हैं उसका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो ये थी MBA चाय वाला की इंटरेस्टिंग जर्नी। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा, आपको पसंद भी आया होगा। नमस्कार। आज की एक इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरी आपको कैसा लगा? हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।